ग्रामीण मुर्गी पालन सुख समृद्धि का वरदान भाग 5। देसी कुक्कुटों की तुलना में वनराजा और ग्रामप्रिया इन कुक्कुटों में अंडे देने की क्षमता अधिक होती है। इन मुक्त मुर्गी पालन परिवेश में औसतन एक हफ्ते में वनराजा 3 अंडे जबकि ग्रामप्रिया 4 से ज्यादा अंडे देती है। वनराजा और ग्रामप्रिया के अंडे भूरे रंग में बड़े आकार के होते हैं। वनराजा के नर कुक्कुट 12 सप्ताह की आयु में 2 किलो वजन प्राप्त कर लेते हैं, तो वही ग्रामप्रिया को ये वजन प्राप्त करने में 15 सप्ताह का समय लगता है। ये कुक्कुट मांस उपयोग के लिए होते हैं। 12 से 15 सप्ताह की आयु के नर कुक्कुट मांस का अच्छा स्रोत है। कुक्कुटों का सही विकास हो जाने पर स्वामी अपनी जरूरत से ज्यादा आवश्यक नर कुक्कुटों को बेच देता है, पर स्वामी का व्यापार मादा कुक्कुटों से निरंतर मिलने वाले अंडों से जारी रहता है। मैं अपने बच्चों को उबले अंडे खिलाती हूँ और बचे अंडों से निकले चूजों को बेच देते हैं। मैं खुश हूँ, वनराजा मुर्गी पालन से मेरा आर्थिक स्तर ऊंचा हुआ है। अंडे और मांस दोनों ही बिक जाते हैं, उनकी मदद से पैसा कमाकर मैं बहुत खुश हूँ। मेरे पिता ने ये व्यापार 25 मुर्गियों से शुरू किया था और अब ये संख्या 400 तक पहुंच गई है, इसलिए हमारा सारा परिवार खुश है। अंडों के ज्यादा उत्पादन और इन कुक्कुटों को अधिक समय तक जीवित रखने के लिए मादा कुक्कुटों को 2.5 किलोग्राम से अधिक न बढ़ने दें। इन दो नस्लों के विकसित कुक्कुट ग्रामीण मुर्गी पालन करने वाले किसानों के ग्रामीण एवं आदिवासी गाँव के आंगन पिछवाड़े में राज करते हैं। आज अनेक किसान अपने परिवारों को पोषण सुरक्षा दे पाए हैं। इतना ही नहीं, वे वनराजा और ग्रामप्रिया के अंडों, चूजों और विकसित कुक्कुटों को बेचकर पैसे भी कमा रहे हैं। श्याम और स्वामी नियमित रूप से कुक्कुटों को पशु चिकित्सक के यहाँ जांच के लिए ले जाते हैं, ताकि कुक्कुटों को बीमारियों से सुरक्षित रखकर संपूर्ण स्वास्थ्य प्रदान करा सके। ग्रामीण कुक्कुट पालन के इस चमत्कार ने भारत में मुर्गी पालन व्यापार के विकास को नई प्रेरणा प्रदान की है। देश के दूर दराज और ग्रामीण आदिवासी क्षेत्रों में भी कुक्कुट पालन का धीरे धीरे विस्तार हो रहा है।